कच्छा नहीं महाराज, देखिए वो ईस्ट इंडिया कंपनी है, आप जान लीजिए हमारी बात थोड़ी कड़वी होती है। अखिलेश जी DCBI से डरते हैं, लालू जी डरते हैं, ममता जी डरती हैं, सोनिया जी, सब DCBI से डरने वाली गोल इकट्ठा है। तो क्या भाजपा ने पाल रखा है ऐसे लोगों को डरवाने के लिए? ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये CBI तो होता है। आप मानते हैं कि ये CBI तो होता है? अरे भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, हम तो रो कर रहे हैं। नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जब मामला संज्ञान में गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को संज्ञान में लेके कहा था, हमको नहीं कहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये भी कर रही है कि जो राजनीति में जो धर्म को इस्तेमाल किया जा रहा है गलत है, दंगे हो रहे हैं। बिल्कुल, कहाँ दंगे हो रहे हैं, यही तो बात है कि सही बात। आज उत्तर प्रदेश में 6 साल में योगी के शासन काल में एक भी दंगा बता दीजिए, छिटपुट घटना को छोड़ करके कहीं बता दीजिए, कर्फ्यू लगा हो पूरे देश में मोदी जी के नेतृत्व में, आप बता दीजिए कहीं दंगा हुआ हो। हम यूपी के रहने वाले लोग हैं, सपा की गवर्नमेंट में दंगे, कांग्रेस की सरकार में दंगे, लेकिन योगी की सरकार में कहां दंगा बा। महिलाओं को सम्मान देती है और जो है फरुखाबाद में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें महिला द्वारा आपका पैर छूते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? अब देखिए शिष्टाचार में जिसको जो समझ में आ रहा है, हम भीड़ में चल रहे हैं, अब उसको कोई वीडियो बना करके अब वो अपने मन से करे तो हम क्या कर सकते हैं। अब इतनी जहाँ जमात है, जहाँ 4-5 हजार लोग जुट रहे हैं, अब महिलाओं को सम्मान देने के लिए आज 33% रिजर्वेशन लागू हुआ ना, हम तो 20 साल से चिल्ला रहे हैं कि 50% इनको आरक्षण मिले लोकसभा विधानसभा में, ये नौकरियों में इनको 50% आरक्षण मिले, शिक्षण संस्थाओं में मिले, ताकि ये जब दरोगा बनकर के CEO बनके, SP बनके, MP बनके, MLA बनके, राज्यसभा और विधान परिषद बनके निकलेंगी तब ये अपने हक की लड़ाई लड़ेंगी। हम तो बराबर ही चिल्लाते हैं, अब उसको कोई कौन किसका गोड़ पकड़ लिया हम का पता, हमको नहीं जानकारी है।